हेलो चिल्ड्रन, अब हम हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 4 है लॉन्ग एंड शॉर्ट। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में देख सकते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 46 है लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो देखिए ये बुक में आपको यहाँ पे बताया गया है, तो ये मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे होता है लाली इज सेलिंग थिंग्स एट हर फादर शॉप। तो देखिए लाली है, उसके फादर की शॉप है, वहां पे वो लोग कुछ भी चीजें जो है सेल करते हैं। तो ये फार्मर कम्स टू बाय रोड, तो उनकी शॉप पे एक फार्मर आता है, एक किसान आता है और वो रो मीन से रस्सी मांगता है। तो क्या होता है, कैन यू डू मी सेवन आर्म ऑफ रो। तो वो फार्मर लाली को कहता है, क्या तुम मुझे सेवन आर्म यानी हाथ दे, ये सेवन आर्म आप मुझे रो दे सकती हो। लाली क्या करती है, लाली छोटी है हाँ, तो वो क्या करती है, सेवन आर्म जो है ऐसे उन्हें से मांग के दे देती है। फिर क्या होता है, बट वाई डू नॉट यू मेजर योर आर्म विद दिस रोप एंड सेवन टाइम्स ऑफ दैट लेंथ। तो वो उसको बोलता है कि तुम इस रोप को सेवन टाइम अपने आर्म से मेजर कर लो और मुझे दे दो। बट दिस इज ओनली सेल्फ आर्म फॉर। क्या होता है, जब वो लाली उस रोप को दे देती है तो फार्मर भी अपने आर्म से उसे मेजर करता है, तो वो सिक्स आर्म निकलती है। कितनी निकलती है, सिक्स आर्म। यहाँ पे क्या होता है, लाली सोचने लगती है कि ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि लाली छोटी है, तो उसके आर्म भी छोटी होगी। जब वो रोप को मेजर करती है, सेवन आर्म करती है, और जब उसी रोप को फार्मर मेजर करता है, तो दोनों के बीच में जो होता है रोप में डिफरेंट आ जाता है। लाली के आर्म छोटे होने के कारण उसके सेवन आर्म जो होते हैं फार्मर के सिक्स आर्म के इक्वल हो जाते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे फिर एक पिक्चर भी बताई गई है, ये आपको आपके बुक में करना है। देखिए मैं आपको पिक्चर बता रही हूँ, यहाँ पे है, यहाँ पे दिया हुआ है हाउ मैनी। तो यहाँ पे एक गॉय है, इन हाउ मैनी स्टेप्स विल दामजी क्रॉस द रोड। तो देखिए यहाँ पे उसके पैर के जो बना हुआ है उसके यहीं पे आपको ड्रॉ करना है और बताना है कि वो कितने स्टेप लेगा जब यहाँ पर पहुंचेगा। इसी टाइप से देखिए सेकंड पिक्चर में है, हाउ मैनी कप्स कैन बी प्लेस्ड इन अ लाइन ऑन दिस टेबल। ये टेबल पे 3 जो है कप्स रखे हुए हैं, आपको इसी टाइप से कप्स यहाँ पे ड्रॉ करना है और बताना है कि यहाँ पे आपके कितने कप्स आएंगे। इसी टाइप से देखिए यहाँ पे है, हाउ मैनी पॉट्स कैन बी प्लेस्ड टू रीच द ट्री ब्रांच। अगर आप इसी टाइप से पॉट को ड्रॉ करते जाएंगे तो इस लीव्स तक पहुंचने में आपको कितने पॉट ड्रॉ करने होंगे। तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे पॉट ड्रॉ करना है। अब देखिए यहाँ पे है, हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी हैंग ऑन दिस वायर। यहाँ पे एक वायर है और इसी टाइप की शर्ट आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है। तो आपको बताना होगा कि इस रोप पे, इस वायर पे आप कितनी ऐसी शर्ट और हैंग कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर से है, यहाँ पर आपको स्टेप्स ड्रॉ करके बताना है कि दामजी की कितनी स्टेप्स होगी। यहाँ पे आपको कप्स ड्रॉ करना है, इसी साइज के आपको छोटे छोटे कप्स ड्रॉ करने होंगे। यहाँ पे आपको पॉट ड्रॉ करना है इसी साइज के, और आपको बताना है कि हाउ मेनी पॉट्स, कितने पॉट्स आप ड्रॉ करोगे कि इसकी ब्रांच पे आप पहुंच जाओगे। यहाँ पे आपको शर्ट ड्रॉ करने हैं वायर पे, आप कितनी शर्ट इस वायर पे और बना सकते हो। ओके, तो इससे हमें पता चल जाएगा, पहले के समय में क्या होता था, जब हमारे पास मेजरमेंट की कोई चीज नहीं होती थी तो हमारे पुराने समय के लोग इस टाइप से मेजर कर लेते थे। कोई चीज को इस टाइप से ये कितने हैं, इससे हैंड से मेजर करते थे और स्टेप से मेजर करते थे कि कितने स्टेप होंगे। आप इसी चीज की प्रैक्टिस किसी भी टाइप से कर सकते हो। आपके घर में बेडशीट होगी तो बेडशीट को भी आप हैंड से मेजर कर सकते हो, क्यूबिक से मेजर कर सकते हो। कोई छोटी चीज होगी तो उसको आप फिंगर से मेजर कर सकते हो। आपकी स्केल आपने देखी होगी तो आपकी स्केल को भी आप फिंगर से मेजर कर सकते हो कि मेरी स्केल इतने फिंगर की है। ओके, तो कोई भी चीज है आप उसे घर में मेजर करके देखिए। अब आगे देखते हैं हम, यहाँ पे देखिए मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पे समझाया है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। इससे पहले मैं आपको स्केल समझा
मेजर करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से रेड लाइन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये हो गई आपका क्रोकोडाइल, हो गया 13 सेंटीमीटर। आप बुक में आपके पास होगी तो आप उसे देखिए और उसे मेजर करिए। अब देखिए यहाँ पे मैच स्टिक दी हुई है, ये देखिए यहां से स्टार्ट हो रही है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ये मैच स्टिक जो है 4 सेंटीमीटर हो गई। अब देखिए यहाँ पे ये डाइस है, डाइस देखिए यहां से यहां तक है, रेड लाइन में आपको दिख रहा है, ये 1 सेंटीमीटर की हो गई है। अब यहाँ पे एक लीफ दी हुई है, उसे देखिए यहां से स्टार्ट करा हुआ है। अब यहां से हम करते 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर,
थ्री सेंटीमीटर है, फोर सेंटीमीटर, ये लीफ जो है वो फोर सेंटीमीटर की हो गई है। अब यहाँ एक क्रायन दिया हुआ है, आप इसे ध्यान से देखिए, ये ग्रीन लाइन से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से यहाँ वन सेंटीमीटर, टू सेंटीमीटर, थ्री सेंटीमीटर, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, तो ये ग्रीन लाइन तक है, तो ये क्रायन आपकी हो गई सेवन सेंटीमीटर। तो आपको ये सब आपकी बुक में मेजर करके देखना है। इसी टाइप से कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे फ्लोर पे भी बताया है और उन्हें मेजर किया है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आपके पेज नंबर 52 पे। 52 पे देखिए, आपको पेज नंबर 49 की भी एक्सरसाइज इसी टाइप से करना है। वहां पे भी पिक्चर्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, ये भी आपको करनी है। ओके, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं पेज नंबर 52 पे। पेज नंबर 52 पे गिब्ली एंड द क्रेन, एक आंट है गिब्ली और वो यहाँ पे क्रेन पे, ये क्रेन जीरो है वो वहां पे जाना चाहते हैं। तो क्या होगा कि यहाँ पे वन टू थ्री फोर, फोर रोड दी हुई, रोड ए, रोड बी, रोड सी एंड रोड डी, फोर रोड दी हुई है। तो आंट अगर इधर से जा रही है, यहाँ से भी जा रही है, यहाँ से भी जा रही है, यहाँ से भी जा सकती है। तो फोर रूट बी भी यहाँ पे आपको पूछा गया है। आठ गिब्ली है टू रीच द रे, सी इज लुकिंग फॉर द शॉर्टेस्ट रोड, कैन यू टेल हर व्हिच इज द शॉर्टेस्ट। तो आपको बोलना पता है, पूछा गया है कि आठ यहाँ से रे के पास जाती है तो सबसे शॉर्ट रोड कौन सी होगी, किससे वो जाएगी तो जल्दी पहुंचेगी। तो यहाँ पे है रोड नंबर बी, आप ही वो रोड नंबर ए से को जाएगी तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस है। आप इसे स्केल से भी मेजर कर सकते हो, तो ए का डिस्टेंस भी ज्यादा है, बी का उससे कम है, सी का बी से भी ज्यादा है और डी का सबसे ज्यादा है डिस्टेंस। ओके, तो सबसे शॉर्ट रोड कौन सी होगी, रोड ए, ये अपनी रोड जो होगी सबसे शॉर्ट होगी, जिससे वो जल्दी जो ब्रेन है यानी जो दाने है जिसका वो खाना चाहती है वो वहां पे पहुंचने के लिए सबसे शॉर्ट रास्ता उसका रोड बी होगी। अब यहाँ पे आपको पूछा गया कैन यू ड्रॉ अ रोड शॉर्टर देन दिस, क्या आप रोड बी से भी एक शॉर्ट रोड को ड्रॉ कर सकते हो, तो उसे यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है और उसे मेजर करना है। तो हाँ, यस, हम क्या कर सकते हैं, रोड बी से भी एक शॉर्ट रोड को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हम डायरेक्ट इसको यहाँ पहुंचते हैं, देखिए अब ए बी सी डी ये फोर रोड से भी जल्दी, ये जो आंट होगी वो ग्रेन इस रोड से जाएगी तो जल्दी पहुंच जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये सब रोड से भी शॉर्ट को ड्रॉ कर दी है और आप स्केल से इस रोड को मेजर कर लेना है कि ये लाइन कितने सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, तो बेसिकली आपको इस चैप्टर में क्या सीखना है, आपको इस चैप्टर में साइंटिस्ट स्केल को मेजर करना है, स्केल से आप कैसे किसी चीज को मेजर कर सकते हो वो आपको सीखना है। आप घर में कोई भी चीज, आपकी पेंसिल है उसे स्केल से मेजर करके देखिए कि वो कितने सेंटीमीटर की है, आपकी इरेजर को मेजर करके देखिए, आप कोई भी चीज की आपके आपकी फिंगर को मेजर करके देखिए स्केल से कि वो कितने सेंटीमीटर की है। इस टाइप से आपको प्रैक्टिस करनी है, आपकी बुक को देखिए, नोटबुक को देखिए और आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ये भी आपको लर्न करना है। ओके, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी। थैंक यू।